आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से आपके कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था को आप लोग कई बुक्स से पढ़ते हैं, लेकिन ये अभी आप लोग जानते हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चंस पेपर आता है और इकोनॉमी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसके आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि पूरी अर्थव्यवस्था का निचोड़ हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चंस वो शामिल किए गए जो आपकी परीक्षाओं में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जब तैयारी शुरू करते हैं तभी आपके पास सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, या फिर आपके वो पुराने क्वेश्चंस पेपर हो गए, ये सब आपके पास हो जाना चाहिए इकट्ठे, ठीक है। और याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं कि आपकी सिविल सर्विस में भी पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस में भी आ जाते हैं, फिर चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या फिर आप देखिए वनडे एग्जाम में जिनमें एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के एग्जामों में भी आते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से जहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। और इतना क्लियर है कि ये क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही रहेगी कि एक ही क्लास में सब कुछ शामिल कर दिया जाए। तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विक्रेता बाजार क्या होता है। तो ये ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अंक टाड इस तरह के संगठनों से कई बार क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, तो इसके लिए आप लोग क्या किया करिएगा कि जब उसकी कहीं बैठक हो रही है करेंट में, उसे आप लोगों को करेंट अफेयर से जुड़ा रहना है। और इसके बारे में अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 30 दिसंबर 1964 को अंक टाड की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे इसके मुख्यालय के बारे में पूछे तो याद रखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप देखिए सिविल सर्विस में भी आप देखते होंगे प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, तो इन्हें भी आप लोग एक एक करके कवर कर लीजिएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि महत्वपूर्ण संगठनों को हम लोगों ने भी कवर किया हुआ है और आपकी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में सभी संगठन आपके डले हुए हैं। WHO हो, WTO हो, UNESCO हो, इस तरह के जो भी आपके संगठन हैं। योजना में कोर सेक्टर का क्या मतलब होता है। चयनित आधारभूत उद्योग, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो याद रखिए घरेलू क्षेत्रों का। इस तरह की अर्थव्यवस्था से आपकी जो बुक्स हैं जुड़ी रहती हैं उनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है। इंडिया इज फॉर सेल ये पुस्तक किसकी है, किसने लिखी थी, तो याद रखिए ये थी चित्रा सुब्रमण्यम, ठीक है। दक्षेस इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी, जनसंख्या नीति से, 1994 की बात है। और आप देखिए इस तरह की समितियों से भी आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित थी, जनसंख्या नीति से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि RIRBI की स्थापना कब हुई थी, तो 20 मार्च 1985 को। कब, 20 मार्च 1985 को। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार। ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार की सबसे बुरी स्थिति है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कृषि और सिंचाई। और वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, लेकिन आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग आ चुका है, इसलिए आप देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय के बाद सब कुछ खत्म हो गया है,
अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं गठित होती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 की बात है। कब की? 1907। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा गन्ना आप लोग किस प्रदेश में देखते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आप देखते हैं कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिए केरल। किस में? केरल में। और आप सभी जानते हैं कि साक्षरता के मामले में देख लीजिए, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए, आपको केरल टॉप पर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि सभी, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग की शिक्षा ही आधार है, ठीक है। और जिस राज्य में शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी वो हमेशा ऊपर ही रहेगा राज्य। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी इंडेक्स आता है तो उस पर सबसे ऊपर रहता है केरल, और सबसे नीचे आपको कौन देखने को मिलेगा? बिहार। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और ये बदलते रहते हैं, इसलिए आप लोग करंट से जरूर जुड़े रहना। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाओं के लेखक कौन थे? तो याद रखिए थे प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी, प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। उच्चारण भी आजकल गलत हो रहा है, खैर छोड़िए, आप लोग इतने तो समझदार भी हैं। एक बात आप लोगों को मालूम है, ऐसा माना जाता है कि जब आपका केरल में चुनाव होता था तो क्या मुद्दा हुआ करता था? शिक्षा, रोजगार। और आप सोचिए कि जब उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार की आप लोग बात कर लीजिए, जब यहाँ चुनाव होता है तो क्या मुद्दा होता है? धर्म, जाति, समुदाय। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। कभी आप लोग अगर एक तरह से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से इतने प्रधानमंत्री निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास आप लोग देख लीजिए कहाँ है। तो आप समझिए कि देखिए, शिक्षा, जिस देश में आप शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी वो हमेशा शक्तिशाली होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम राफेल खरीदते हैं फ्रांस से। अगर हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था होती तो उससे तगड़े हम लोग बना रहे होते, दूसरे देशों से क्या खरीदते। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी? ये याद रखिए 17 सितंबर 1997 को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 17 सितंबर 1997 को। अंजुन दप्पा समिति का संबंध किस विषय से था? तो रेल भाड़ा विषय से। और ये 1993 की बात है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मनीला, फिलीपींस में। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश जापान। WWF का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये क्या है? बैंक। याद रखिए बैंक है ये। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो याद रखिए थी राज समिति। क्या योजना आयोग संवैधानिक सांविधिक आयोग है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, संवैधानिक निकाय का होने का मतलब ये होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए आप देखते हैं कि आप देखिए चुनाव आयोग आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 में आपको चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। लेकिन आप देखेंगे संविधान के किसी भी आर्टिकल में आपको योजना आयोग के बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि RIRDP किस वर्ष पर आरंभ किया गया था?
1978-79 की बात है। आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। आपको, आप सभी जानते हैं कि संविधान की जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें आपको 3 लिस्ट दी गई हैं, एक संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची और एक आप देखते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची है जो आप देखते होंगे कि इस पर संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो आपकी राज्य सूची है, इस पर आप देखेंगे कि आपकी राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और जो आपकी समवर्ती सूची है, इस पर आपकी राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई ऐसा कानून आता है कि दोनों में टकराव होता है, तो आप सभी देखेंगे कि वहाँ केंद्र सरकार का कानून शक्तिशाली होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कपार्ट यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली। एक और नाम सुनते हैं आप लोग, सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 की बात है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के विचलन से। निक्की ये क्या है? टोकियो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, निक्की। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1 जनवरी 1982 की बात है। आर्बिट्रेज का क्या मतलब है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अनंत ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया आपकी आर्बिट्रेज कहते हैं इसे। बीएन योगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जेबी सेने। चाय के उत्पादन में देखिए, आप लोग देखते हैं कि आपके आर्थिक आंकड़े आते रहते हैं, उसमें देखा करिएगा आप लोग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 की बात है। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? आपका सेबी। कभी कभी आप देखेंगे सेबी का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। कैसी है? विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है हमारी। भारत को राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन एजेंसी काम करती है? तो वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में आप लोग देखते हुए भी होंगे, इस संविधानिक निकाय है आपकी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन? ये अब देखिए आप लोग करेंट में, आप लोग देखिए इसे। आरबीआई के बारे में कुछ और पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस कई बार और पूछ लिए गए हैं। आरबीआई से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बात इसमें आप लोग एक क्वेश्चंस यही याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की। तो आप लोग याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आरबीआई का मुख्यालय तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसके अभी अगर हम लोग वर्तमान की बात करें यानी कि 2021 में, इसके गवर्नर कौन है? तो आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अन्य मुद्राएं यानी कि करेंसी है, उसकी तुलना में हमारी करेंसी का नीचे गिर जाना, उसकी मूल्य में कमी होना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? ये हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगी।
बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, एक तरह से आयात और निर्यात की अनुपस्थिति, यानी कि ना तो आयात होना और ना ही निर्यात होना। उद्योगों के विकास, उद्योगों के तीव्र विकास और उद्योगीकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग है? तो याद रखिए, द्वितीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? राकेश मोहन समिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। अब तो आप जानते हैं कि GST आ चुका है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स में, सभी इनडायरेक्ट टैक्स आपके GST के अंडर में आ चुके हैं। प्लास्टिक मनी क्या होती है? तो याद रखिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा ना, उसे ही प्लास्टिक मनी कहते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? आबिद हुसैन समिति, तो याद रखिए, था लघु उद्योग क्षेत्र से, लघु उद्योग क्षेत्र से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित थी? ए बालिका शिक्षा से, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन से आपकी, ठीक है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में से संबंधित सुझावों के लिए रिपोर्ट दी थी? तो याद रखिए, बीमा क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र के लिए। इस तरह की समिति जो भी आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, उन्हें ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? कौन करता है? तो ये है आपका केंद्रीय राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? ये 1950 की बात है, लेकिन अब ये देखिए खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब आपका नीति आयोग आ चुका है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। अभी भी आप देख रहे हैं करंट में हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और जितनी कमी बची हुई थी वो किसने कर दी थी? पूरी कोरोना महामारी ने। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है कोरोना का। दूध के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, क्योंकि आप देखते हैं पशु के मामले में भी हमारा भारत पहले स्थान पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय Washington DC। OPEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका मुख्यालय आपको वियना में देखने को मिलेगा, यानी कि जो कच्चा तेल होता है ना, इसके जो कच्चा तेल बेचते हैं, उत्पादन करते हैं, उन्हीं देशों का संगठन है आपका OPEC। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछ लिया है, तो याद रखिए, गरीबी हटाओ अभी तक हटी नहीं है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत दिया गया था गरीबी हटाओ, लेकिन हट नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख पहरी माना जाता है किसे? विश्व व्यापार संगठन को, यानी कि WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू मजदूर सभा में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए, शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया? तो याद रखिए, विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, ये आप देखेंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का अधिपत्य है? तो बिड़ला घराने का। हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को। आप भी देखते होंगे कि हमारे देश में भी चाय का उत्पादन काफ़ी होता है, उत्पादन भी काफ़ी होता है और उपभोग भी काफ़ी होता है, सो वैसे आपके यहाँ उपभोग भी होता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पर, पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? देखिए, क्या है कि पहले निजी बैंक हुआ करते थे और गरीबों तक आप कह सकते हैं कि इनकी पहुंच नहीं थी, और आप सभी जानते हैं कि बैंक जब निजी हो
तो वो क्या करते हैं, फायदे की बात करते हैं। लेकिन आपने देखा है कि गांव-गांव तक तभी पहुंचे जब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहली बार भारत में कब किया गया था, ये 19 जुलाई 1969 को। ये समय किसकी सरकार थी हमारे देश में, इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए हुए थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले इन्हीं ने किया था। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे ने कितना लेन देन किया है किसी देश से, उसी की बात कर रहा हूँ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी, तो याद रखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना की, पांचवी पंचवर्षीय योजना की। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है, तो ये बिहार है। आप लोगों को एक बात बताऊं कि जहां माइनस मार्किंग नहीं है जिस भी पेपर में आपके, तो वहां आप लोगों से अगर कभी पूछता है आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चंस का आंसर, अगर रैंकिंग में पूछता है तो सबसे अच्छी रैंकिंग केरल की लगाया करिएगा, और सबसे बुरी रैंकिंग की अगर बात की जाए तो उसमें बिहार ही आता है आपका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारित करना, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैसे का लेन देन बंटवारा करना, ये आपका वित्त आयोग का काम है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये की नोट छापती है, बिल्कुल नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो सोवियत संघ के सहयोग से। देखिए ये सोवियत संघ वही था, आज के समय में आप लोग रूस देखते हैं, रूस और कई देशों का एक संगठन हुआ करता था जिसे आप लोग सोवियत संघ कहते थे। लेकिन आपने देखा है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न को हुआ था, गेहूं का। और आप देखेंगे इसका, आप देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ही खासकर इसकी इसका फायदा देखा गया था। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 24 जुलाई 1991 की बात है। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से हुआ था, तो याद रखिए बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु, किसका, जानकी रामन समिति का। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1963 की घटना है। कब की, 1963 की। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1957 की बात है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, दिसंबर 1966 की बात है। ट्राइसेम का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था, 15 अगस्त 1979। इसका पूरा नाम भी याद रखा करिएगा, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन था, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। स्टैग फ्लेशन क्या होता है, तो याद रखिए मंदी के साथ मुद्रास्फीति का मतलब होता है स्टैग फ्लेशन। दूरहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है, जम्मू कश्मीर में। और आपको बताऊं बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक से ज्यादा उद्देश्य पूरा होना, जैसे आप देखेंगे सिंचाई भी हो रही है, पेयजल की पूर्ति भी हो रही है, और उससे आपकी क्या बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये अगस्त 1996 की बात है, अगस्त 1996। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है, पुणे में। नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी,
तो कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिए तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ इसी योजना के अंतर्गत नारा लगा था। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982। स्वेट जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से था, किससे? नगरीय क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। 1934 में एक पुस्तक लिखी गई थी, फिनलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके लेखक कौन थे? सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। याद रखिए ये पुस्तक भी आपकी कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है, कई आपके एग्जामों में, तो याद रखिए इस पुस्तक को भी और इनके लेखक को भी। अगला क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। आप लोग जाते होंगे ना बैंकॉक घूमने। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, RBI का, जो हमारी केंद्रीय बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ हुई? 1969। विश्व बैंक के उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, IDA को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निहावा सेवा। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस एस्क का लदान किया जाता है? तो लोहे एस्क का। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया था? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? तृतीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 20 मार्च 1985 को। देश की प्रथम डिपोजिटरी दी इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष हुई थी? 8 नवंबर 1996। 1956 की औद्योगिक नीति में आ बा एवं सात तीन वर्गों में उद्योगों को बांटा गया था, कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? वर्ग सा। भारतीय संरचना वित्त कंपनी यानी कि IDFC, इसका मुख्यालय चेन्नई में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना के द्वारा की गई थी? आठवीं योजना। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? नीली क्रांति। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया जाता है। और आप समझिए जब से योजना आयोग खत्म हुआ तब से इसका भी आप समझिए कि महत्व कम हो चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का असर हो है? झींगा मछली उत्पादन। ये आपसे क्वेश्चंस इस तरह का भी पूछा जा सकता है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो झींगा मछली उत्पादन से। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत की समुद्री तट से कितनी दूर है? समुद्र से आप देखेंगे 200 नॉटिकल मील तक। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन था। योजना आयोग के ये खत्म हो चुका है, अब क्या करेंगे इसका। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? केरल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? सेवारामन समिति के। याद रखिए ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया है, रिपीट होता रहता है, सेवारामन या सेवारामन
समिति थी, इसकी अनुशंसा पर, एक तरह से आप कह सकते हैं सिफारिश पर, आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। भारत में एक रुपये के नोट पर किसके सिक्के होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी आईसीआई, ठीक है। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। डीडीपी का संबंध किससे है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1972-73 की बात है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। और आप सभी जानते हैं कि डॉलर काफ़ी शक्तिशाली आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप लोग तेल भी खरीदते हैं तो उसका भुगतान डॉलर के जरिए करते हैं आप लोग। हार्ड करेंसी है, हॉट करेंसी है, गर्म करेंसी है आपकी डॉलर। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो रहा हो। भारत की पहली जनगणना 1872 में। भारत की पहली जनगणना अगर आपसे पूछे तो 1872 में किसका समय था? इस समय लॉर्ड मेयो का। और अगर आपसे पूछे कि नियमित और दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी, तो याद रखिए 1881 का समय था, लॉर्ड रिपन का। इसके समय से आपकी नियमित और व्यवस्थित तरीके से जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 6 अगस्त 1991 को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को, जनता को जागरूक करने के लिए। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 22 अक्टूबर 1962 को। ये 1962 वही है जिसमें आप देखते हैं कि भारत चाइना का युद्ध हुआ था। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया था? ये आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध कर विवाद से संबंधित। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन और विकास के लिए की गई योजना है? तमिलनाडु। बेकोन 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन की देन है? बेटन बोर्ड सम्मेलन की। शून्य आधारित बजट से क्या मतलब होता है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष, ये आप लोग करंट में देख लिया करिएगा, सेबी के अध्यक्ष, क्योंकि आप देखिए कि जब आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस समय ये बदलते रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर देखा करिएगा सेबी के। वैसे आपको बताऊँ, इससे आप लोग सभी जानते होंगे, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आप देखेंगे मुंबई में देखने को मिलेगा। अभी की बता देता हूँ मैं कि 2021 में आपके कौन है इसके जो चेयरपर्सन कह लीजिए आप लोग, या इसके अध्यक्ष कह लीजिए, तो वो हैं आपके अजय त्यागी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में, ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945 में। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? ITDC। और आप जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का काफ़ी, एक तरह से पर्यटन का हिस्सा है। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आज से 10 साल पहले आप लोग देखते होंगे
कि कोई अगर काम करने के लिए जाता था मजदूरी, तो उसे आप देखते थे कि अनाज मिलता था काम के बदले। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बच्चों को भी जब स्कूल जाते थे तो उन्हें भी अनाज मिलता था, खाना नहीं मिलता था। ठीक है, उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। एमपी वाले अफीम ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और उपयोग कितना करते हैं आप लोग बताइए। मुद्रा मूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात का सीधा सा मतलब होता है कि हम दूसरे देश से कुछ खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, और निर्यात का मतलब होता है कि हम दूसरे देश को बेच रहे हैं। ठीक है, ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे कीन्स। सैंडवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से था। डाफोल पावर पॉइंट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1966 में, माफ करिए 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में आई। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। आपको मालूम है कि संविधान बनाने में भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन आरबीआई के गठन में भी आप देखेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में को प्रस्तुत किया गया था। इस समय वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखी शेट्टी, याद रखिए। करंट में कौन है आप लोग बताइए, आप समय किस समय आपके समय कौन है? वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही थी? माधानिया जोधपुर में। क्रिसिल का पूरा विस्तार नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे भी आप लोग याद रखिए। ये निर्धारित करती है कि इसकी रेटिंग कैसी है, ये ऋण चुकाता है या नहीं चुका पाता है, उसी हिसाब से उसे ऋण मिलता है। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो इसे बुल कहते हैं। आपको मालूम है कई लोग आप देखते हैं शेयर मार्केटिंग करते रहते हैं, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। सॉफ्ट करेंसी यानी कि उधार मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, मांग कम हो पूर्ति अधिक हो, यानी कि जिसकी क्रय शक्ति कम हो, ठीक है, गिरी हुई हो। बाजार में भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन था? रूस। फिर आपने देखा अलग हो गया था, 7 बचे थे। अब फिर से शामिल करने की बात की जा रही है, जिसमें भारत को भी शामिल करने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? 1938 की बात है, जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, सबसे लंबे समय तक भी प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? तृतीय योजना में। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किया था? महाराष्ट्र ने। केंद्र सरकार ने 2001 को घोषित किया था महिला अधिकारिता वर्ष। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास द्वारा, सिडबी द्वारा। सैंडवेट क्या होता था? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? मासा यूनिसन को। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब प्रारंभ किया गया था? 1970 में। दूध से संबंधित है, डेयरी, समझ रहे हैं। किस वर्ष आंध्रा बैंक को ऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 15 अप्रैल 1980 की बात है। पहली बार आप देखेंगे 1969 में हुआ था और दूसरी बार आपका 19 यूनिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किस पंचवर्षीय योजना को पूरे होने से एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1978-79 की बात है। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छोड़िए इन्हें अभी, करंट में आप लोग जब भी पेपर देने जाएं उस समय देख लें। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में आपके दो तरह के आंकड़े होते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा स्थायी आंकड़े, जो हमेशा स्थायी बने रहते हैं, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। ऐसा तो है नहीं कि 1940 हो जाए या फिर 2021 हो जाए। तो ये होते हैं आपके स्थायी आंकड़े। और याद रखिए, एक होता है अस्थायी आंकड़े कि इस संस्था के अध्यक्ष कौन है, समझ रहे हैं? तो इन्हें आप लोग क्या किया करिएगा, स्थायी आंकड़े आप लोगों को याद कर लेना है। और अस्थायी आंकड़े के लिए क्या करना है, आपको करंट से जुड़ा रहना है और बदलता रहता है, जो आप लोग देखते रहा करिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे, जब कोई राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? मुंबई का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया? तो कोलकाता। कलकत्ता भी कहते हैं आप लोग इसे, कोलकाता भी कहते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए 1948 की बात है, 1948 यानी कि आज़ादी के एक साल बाद। वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 की बात है। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबका अधिकार बराबर है, यानी कि वो सरकार के अंडर में है। और निजी, आप जानते हैं कि आपने अगर कोई प्लेस खरीदा हुआ है, कोई जगह खरीदी है, तो वो आपकी निजी हो गई। और आप देखिए, सरकार का कोई प्लेस रहता है, स्थान रहता है, तो वो सार्वजनिक होता है, सबका हक होता है वो एक तरह से। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? ये आप देखेंगे 58.925 करोड़, 58.925 करोड़। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो आपकी भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे आप लोग शॉर्ट में AITVC कह देते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। मध्यकालिक उधार दर क्या होती है? तो याद रखिए, वह दर है जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो ये आप देखेंगे 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। और आपके आसपास भी आप देखते होंगे कि एक आपके यहाँ डाकघर होता है, वो कवर करता रहता है सबको, ठीक है। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी होती है? और ये आप देखेंगे 40% के आसपास।
इन्नौर में मुक्ता किसके लदान के लिए बड़े पतन बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए, यानी कि कोयला के लिए। भारत में प्रति हेक्टर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन से हैं? एक तो आप पंजाब देखेंगे और हरियाणा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कृषि काफ़ी अच्छा यहाँ होती है खेती, इसीलिए आपने देखा है कि कृषि कानूनों का विरोध आपका यही इसी क्षेत्र के आपके किसान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नुकसान होगा। बाकी बुंदेलखंड के किसानों की हालत आप लोग जानते हैं क्या है, आए दिन सुनते रहते हैं कि खुदकुशी करते रहते हैं, ठीक है। और आप समझिए कि बुंदेलखंड के किसान खेती को एक बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं, उन्होंने बुआई कर दी, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि पंजाब हरियाणा को देख लीजिए आप लोग, वो एक बिजनेस की तरह लेते हैं। और आप देखते हैं कि उनके बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं, खाने के लिए बेहतर उनके यहाँ रहती है, उनकी लाइफ स्टाइल भी आप देखेंगे बेहतर रहती है। बुंदेलखंड के किसानों को आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में रहते हैं। भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? ये महाराष्ट्र में औद्योगिक मूल सृजन। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण का सर्वप्रथम बल दिया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई थी? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का इलाका। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? तो याद रखिए भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक, और ये आप देखेंगे कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए और तुरंत ही अन्यंत किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज, ठीक है। G15 संगठन सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी? 19। ये भी बदलती रहती है, देखिए संगठनों में संख्या आप देखते हैं कि जुड़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। देश की पहली डिपोजिटरी द इंटरनेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना 8 नवंबर 1996 की बात है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1969 की बात है। नवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई थी? तो 31 मार्च 2002 की बात है। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये नवी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। देश का सबसे बड़ा अनुसंधान प्रणाली किस देश का है? भारत का, इंडिया का। भारत का पहला निगमित बंदरगाह इन्नौर था। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 270 माफ करिए 280 आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री साहब, PM साहब। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूं चावल में। अवमूल्यन शब्द का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। आप देखते हैं चाइना अवमूल्यन करता रहता है अपनी करेंसी का। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तंबाकू उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश चाइना, हमारा पड़ोसी। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादन के विज्ञापन की पंक्ति है? कैन बोर्ड। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? इंडिया मिलीनियन डिपॉजिट योजना, ठीक है। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन सिफर्स योजना का संबंध किससे है? निर्यातित माल से। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय, और इसमें आप देखेंगे कुल जनसंख्या से। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है MB = PBT, ठीक है। विश्व आर्थिक फोरम
कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान रहता है। देखिए ये भी आप देखते हैं कि बदलते रहते हैं, हर साल आती रहती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ क्या याद रखना है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट एक कौन निकालता है, विश्व आर्थिक फोरम। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर वालों है, तो 3 स्तर वालों पर। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे आप लोग SLR कहते हैं, सांबदिक तरलता अनुपात। भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है, संसद की अनुमति। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या फिर अभाव सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी, 1951 की बात है। भारत की आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से होती है, राष्ट्रपति साहब की, प्रेसिडेंट। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंटक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन बैंक सबसे बड़ा है, भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए, ये 200 करोड़, ये भी बदलती रहती है। रिजर्व बैंक की नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का सॉर्ड अपने कोष में रहना चाहिए, 115 करोड़। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत होती है, लोकसभा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP किस बारस मतलब किस साल प्रारंभ हुआ था, 1978-79 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहरी आप लोग IMF को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं, UK में, ठीक है। WTO इसमें होगा। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ हुई थी, 2 अक्टूबर 1993 की बात है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO कब अस्तित्व आया था, 1 जनवरी 1995 की बात है। आप सभी जानते हैं कि जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय, इस पर सब किसकी नज़र रहती है, आपकी विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती हैं, ऊर्जा हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये आधारभूत सुविधाएं हैं एक तरह से। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, 1 समृद्धि, 1 पूर्ण रोजगार और आय और संपत्ति की असमानता में कमी और समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के बारे में नारे कब लगे थे, ये 1970 के दशक के प्रारंभ में, इंदिरा गांधी। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति या उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था, 4th पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था और जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास और आदि की न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, ठीक है। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। मदिया या मंद्रिया बियर किसे कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या फिर शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करता है, तो ये आपका शेयर मार्केट से संबंधित है। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय बैंक यही है हमारा। बैंक दर यानी कि बैंक रेट, क्या इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिए यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है कि लीजिए उधार दीजिए और इतना आपको इस पर ब्याज देना होगा। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो याद रखिए यह वह कर है
जिस पर व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, और इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आप लोग जैसे आप लोग देख लीजिए, आयकर, आयकर आपकी संपत्ति पर मतलब आय पर ही लगाया जाता है, और आप देखते होंगे कि आप ही उसका भुगतान करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को आप लोग ले लीजिए, आपने देखा होगा आप मोबाइल खरीदते हैं, आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आपने उस दुकानदार को दिया, उसने कंपनी वाले को दिया, वो कंपनी वाले ने इस तरह से घूम कर जाता है। और एक बात आप लोगों ने कई बार पूछा है, देखिए जो सरकारें चलती हैं ये सभी आपके ही पैसे से चलती हैं। आप में से कई लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि हम तो टैक्स नहीं देते, कर नहीं देते। तो याद रखिए, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, गरीब से गरीब, टैक्स देता है। कभी आप लोगों ने माचिस तो खरीदते होंगे, साबुन तो खरीदते होंगे, कभी उस पर आपने देखा है? इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, चाहे फिर आप देखिए कितना भी अमीर हो वो भी देता है इनडायरेक्ट टैक्स, और आप भी देते हैं। और मुझे लगता है आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होगा, नॉर्मल फोन होगा, उस पर भी आप लोग, उस डिब्बे पर भी आप लोग देखिए, ठीक है। अगर फ्री में आपको वैक्सीन मिल रही है तो कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है, आपके ही पैसे का उपयोग किया जा रहा है, कोई वहाँ आपका एक तरह से मेहनत नहीं करता है कोई नेता। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो याद रखिए, प्रोफेसर राजकृष्णा ने, ठीक है। इफ्को क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का उन्मूलन प्रथम बार कब हुआ था? ये 1949 की बात है। राजा चेलिया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? ये आपकी डायरेक्ट व परोक्ष कर से संबंधित थी, ठीक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर से। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री साहब। किस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाली कर को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, एस्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती तो कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय करते हैं, और यह किसका नियम कहलाता है? एंजिल का नियम। इस तरह की परिभाषाएं कई बार आपको दे देता है और पूछता है कि यह नियम किसका, कौन सा कहलाता है, ये समिति किससे संबंधित है, ये कथन किसका था, तो ये भी आप लोग याद रखें। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है, और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपनी विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता है, कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार, यानी कि सॉफ्ट। आप देखिए कि कौन रखना चाहता है, समझ रहे हैं? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या फिर गिर रही हो, जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो, क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, यानी कि हॉट करेंसी। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त करते हैं? उधार ऋण, यानी कि सॉफ्ट लोन। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? एड वैलोरम टैक्स। आप लोग कई बार सुनते रहते होंगे कि सॉफ्ट लोन दिया है, इस देश को दिया है, उस देश को दिया है, तो ये तो आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और न्यूज पेपर आप लोग जब एक फॉलो करते रहते हैं तो इन सब की जानकारी आपको मिलती रहती है। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं, क्या कहलाते हैं? मंदड़िया, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शब्द है। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? तेजड़िया, मंदड़िया और तेजड़िया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा होती है? हॉट करेंसी। आप भी देख लीजिएगा, आप अपनी उपस्थिति जहाँ कम करेंगे वहाँ आपकी इज्जत ज़्यादा होगी, आप डेली वहाँ जाते रहेंगे आपकी सम्मान गिरता रहेगा। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? भेड़ की।
सीडो संबंधित है लघु उद्योगों से, लघु उद्योगों से। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाई कौन संबंधित है, हथकरघा। बैंक दर यानी कि बैंक रेट जिस पर आप देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है, इसका जानने का एक तरह से हथियार कौन सा है, तो सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि यानी कि इसमें बढ़ोतरी हो रही या क्या हो रहा है इससे मालूम चल जाता है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है, UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। इसमें आप देखते हैं रैंकिंग आपको मालूम चलती रहती है। आज़ादी के बाद पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% प्रति वर्ष रही है, और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजीव कृष्णा ने इसे क्या नाम दिया था, विकास की हिंदू वृद्धि दर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है, वैधानिक तरलता अनुपात, इसे आप लोग शॉर्ट में SLR भी कहते हैं। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी थी, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। किस और औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं, तो याद रखिए औद्योगिक नीति 1956 को। किस देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे माना जाता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से, कि वहां के लोगों की आय क्या है। क्रिसिल किसका संक्षिप्त रूप है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। मॉडर्न फूड्स नाम से केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा था, हिंदुस्तान लीवर्स ने। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए, इसे कहते हैं ऋण जाल। और आप जानते हैं कि ऋण जाल में आपका पड़ोसी पाकिस्तान फंसा हुआ है, पता है आपको, यानी कि उसे ब्याज मतलब कोई धन लिया हुआ है उसका ब्याज भुगतान करने के लिए भी ब्याज लेना पड़ रहा है, चाइना ने इतना कर्ज में ला दिया है उसे, ठीक है। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, सातवीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया उल्लेख, ठीक है। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारित व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त होती है, विनियोग विधेयक के माध्यम से। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, रत्न और आभूषण से। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों और विभिन्न वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है, विकसित राष्ट्र में। उत्पादक और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जानते हैं, इसे वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, घरेलू क्षेत्र से। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगी, रांची झारखंड। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित किया गया था, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका होता है, RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक दर किस नीति से संबंधित होती है, मौद्रिक नीति से। और आप देखते हैं कि मौद्रिक नीति जब भी बदलती रहती है, आती रहती है, इसकी एक तरह से गणना होती रहती है, तो
तो इनकी दर बदलती रहती है, बैंक रेट हो आपकी, ठीक है। मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी व्यापार से। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया केरल में। आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? गिनी गुणांक या फिर लारेंज वक के द्वारा। कॉन्कर्ड रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये 1990 की बात है, 1990 की बात है। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? इसे ही आप लोग सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसे ही आप लोग सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार कीमत की बात की जाती है, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट की बात नहीं की जाती है। आप मान लीजिए कि एक, जैसे मान लीजिए बाइक है या कार है, उसके टायर कहीं और बन रहे हैं, उसका इंजन कहीं और बन रहा है, कहीं और फिटिंग हो रही है, तो उसका अंतिम मूल्य जोड़ा जाएगा, ना कि टायर की कीमत अलग, इंजन की कीमत अलग। ये आप लोग पॉइंट याद रखिए। पूंजी निर्माण के तीन चरण कौन से होते हैं? एक तो आपका बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? तो एक राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष और मुद्रा यानी कि करेंसी स्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाली संस्थानों की शिखर संस्था कौन मानी जाती है? नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट। और आप सभी को मालूम होगा कि कच्चा तेल हम लोग सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, हमारे पास इतना पेट्रोल या डीजल नहीं होता है उत्पादन हमारे यहाँ कि हम लोग अपनी आपूर्ति पूरी कर सकें। इसलिए आप देखते हैं ओपेक जो संगठन है देश, इनसे हम लोग, या फिर आप लोग खाड़ी देश कह लीजिए, इनसे बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदते हैं। लगभग आप सोचिए कि हम लोग अपनी आपूर्ति के 80-85% डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, हमारे पास उत्पादन इतना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने। समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किस से संबंधित है? रो स्टॉप से। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होती है? तो ये है आपकी मांग प्रेरित स्फीति। रिजर्व बैंकों के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा था? यूटीआई बैंक लिमिटेड। ये 1994 की बात है, 1994। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का है, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद बना था ये। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी आप सोचिए महत्व बहुत घट गया है जब से आपका योजना आयोग खत्म हुआ है और पंचवर्षीय योजनाएं बनना खत्म हुई हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नोएडा में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी संबंधित थी BKR V Rao से। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र उद्योगीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं अनुसूची नहीं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में सम्मिलित कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था? तो याद रखिए यह थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चक्रीय बेरोजगारी से क्या मतलब होता है? आप कहते हैं कि भारत में बहुत चक्रीय बेरोजगारी फैली हुई है, तो व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को आप लोग चक्रीय बेरोजगारी कह देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 की बात है। निर्धनता के दुष्चक की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम पर सिक्के साथ जोड़ी जाती है? तो ये थे रैगनर नक्स। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? साधन लागत पर, NNP। अर्थव्यवस्था में जो नोबेल पुरस्कार मिलते रहते हैं इन्हें भी आप लोग देखते रहा करिएगा, ठीक है। निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री और शुद्ध लाभ दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ी कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल है? घरेलू। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेडगिंग का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीजें, देख सकते हैं आप लोग। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान पर उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को, BIFR को। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? रिपो दर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रिपो दर। रिसर्जेंट इंडिया ऑफ बॉन्ड योजना और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ने। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंकों के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय बैंकों की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत? 40%। ये भी बदलते रहते हैं। महालनोबिस अथवा नेहरू महालनोबिस कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित था? तो ये थी द्वितीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आदर्श बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्रायः कैसी होती है? शून्य, या फिर आप देखिए ऋणात्मक। एक ही काम में आप देखेंगे कई लोग लगे हुए हैं, एक व्यक्ति के लिए वो काम है, एक व्यक्ति उसे अकेले कर सकता है, लेकिन आप देखते होंगे कई काम, कई लोग, पूरा परिवार उसी में लग जाता है। जैसे आप लोग खेती को ले लीजिए, एक व्यक्ति उसे देख सकता है लेकिन क्या करेंगे कि पूरा परिवार उसी में लग जाएगा। जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है? इकाई के बराबर। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। बड़ा धक्का अर्थवा प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रोजेस्टीन रोडान थीसस। संतुलित वित्तीय के सिद्धांत का समर्थन किया था रोजेस्टीन रोडाल और रैगनर नर्से और आर्थर लुइस, इन तीन लोगों ने। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था? महालनोबिस रणनीति पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? ऊर्जा क्षेत्र को। पूंजी निर्माण के तीन चरण होते हैं, बचत का सृजन, वस्तुओं का संगठन और वास्तविक निवेश। अराबिका और रोबस्टा किसकी दो प्रमुख एक तरह से स्पीसीज हैं? एक कॉफी की, कॉफी आप लोग जानते हैं वही। विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण और अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है? NAFTA। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई? 100%। क्रसिल का पूरा नाम भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड। भारत में रोलिंग आयोजन अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? ये 1978 की बात है। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो आप देखेंगे राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी साहब ने, ये 1868 की बात है, अंग्रेजों के समय की बात, जब हम लोग गुलाम थे। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO।
उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। चतुर्थ योजना में के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक तो आपका था स्थिरता के साथ समृद्धि और दूसरा था आपका आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अभी भी आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है और इसे राज्य, देखिए GST आने के बाद ये सब खत्म हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी लगता था अब GST के अंडर में आ चुका है। किन करों को केंद्र आयोग इसने भी हटा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलेगी? मौसमी बेरोजगारी। गांव की तरफ आप देखेंगे या ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि जब फसल का मौसम आता है कटने का या बुवाई का टाइम आता है तब उन्हें रोजगार मिल जाता है, जैसे ही मौसम गुजरता है वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो ऐसे ही आप लोग मौसम बेरोजगारी कह देते हैं। कटाई के समय आप देखते होंगे कि काटने वाले भी नहीं मिलते हैं। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक W.A. Lewis अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ में। नासडेक क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार है। कहाँ का? अमेरिका का। भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? न्यूनतम कोष प्रणाली। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने का वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट R.K. षणमुगम सेट्टी साहब ने प्रस्तुत किया था, क्योंकि उस समय यही वित्त मंत्री थे। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होनी चाहिए? 25 लाख। ये भी बदलती रहती है, इस पर भी आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। व्यक्तित्व UTI के भागों UTI और UTI सेकेंड से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में काम करता है? UTI सेकेंड। बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित कर भारत बीमा कारोबार प्रारंभ किया था? सन लाइफ के साथ। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, अभी भी आप देखते हैं ना इसे, वही है। कौन वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया और जिससे संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की? तंबाकू और इसके उत्पाद। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि बंद नहीं हुआ है, लोगों को आदत पड़ी हुई है, ठीक है, तो बंद होना मुश्किल भी है। आपने देखा होगा बिहार में शराबबंदी हुई थी, कहाँ तक सफल रही है, उससे अच्छा है मुझे लगता है कि चालू रहना चाहिए था, कम से कम महंगी तो ना होती, लोगों को महंगी तो ना मिलती। BRS क्या होता है? BRS अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इसे आप लोग BRS कहते हैं। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि VRS ले लिया उस व्यक्ति ने ऐसा वैसा, ठीक है। स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया? महिंद्रा ने। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श भाग क्या है? ईश्वर का अपना देश। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं हमारे में। आप सोचिए हम लोग मालदीव जाते हैं घूमने के लिए, हम लोग अपने अंडमान निकोबार द्वीप को बना सकते हैं ना मालदीव की तरह, सब बनेगा। देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है, यानी कि हर साल इसे निकाला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ? हरिद्वार में। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल और गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टोर किस संस्था द्वारा बनाया गया? भारतीय खाद्य निगम FCI। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने। आजकल तो आप देख रहे हैं इनकी हालत खराब चल रही है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत, क्योंकि आप देखते हैं भारत में बहुत सारे पशु हैं। देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है?
मुंबई की, क्योंकि घना बसा हुआ है एक तरह से। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। आप देखिए कि एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाती है कि कम से कम हमें इतना तो मूल्य दीजिए, एक कृषि क्षेत्र की हालत है। और इसीलिए आप देखते हैं कि बुरी हालत है उन किसानों की, उनका जितनी लागत होती है उतना आप नहीं निकल पाता है, इसीलिए आप देखते हैं कि आंदोलन होते रहते हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कोई कानून नहीं है, इसीलिए आप देखते हैं कि सरकारी रेट से भी सस्ता खरीदते हैं आपके व्यापारी। और इसी को लेकर आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन भी कर रहा है कि इस पर एक नियम कानून तो आ जाए कि व्यापारी हो या सरकार हो, कम से कम इतने रेट पर खरीदेगी, समझ रहे हैं? तो ये मांग भी है उनकी, और मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ठगा जाता है उन्हें। गेहूं, चना, सरसों और मक्का से खरीफ की फसल कौन सी है? इसमें मक्का देखने को मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चंस तो आप लोग किसान हैं तो बेहतर आंसर दे पाते होंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंकों अपनी कुल साख कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध कराना होता है? 18%। क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या होता था कि ऋण दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि लोग डरते थे कि मतलब खेती नहीं हुई उनकी, अच्छी उपज नहीं हुई तो वो वापसी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कहिए कि देखिए रिजर्व बैंक ने ये निर्धारित कर दिया है कि आपको देना होगा, आपकी भी नहीं चलेगी। विश्व में सोयाबीन की सर्वाधिक खपत किस देश में है? भारत में। सोने की बात की जा रही है, आप देखते हैं महिलाओं को एक तरह से उनकी कमजोरी, या आप कह सकते हैं कि सबसे प्रिय कोई धातु है तो वो सोना है, गोल्ड है, स्वर्ण है, ठीक है? और इसीलिए आप देखते हैं सबसे ज़्यादा खपत है, कुछ हो या ना हो लेकिन सोना जरूर मिलेगा। भारत में पहली बार जनगणना एलोर मेयो के समय 1872 की बात है। माही नदी घाटी से किस राज्य को लाभ होता है? ये गुजरात की बात की जा रही है, गुजरात को। प्रथम कृषि पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को। कोयली परियोजना की स्थापना किस देश से, किस सहयोग से हुई थी? रूस से, रूस की मदद से। किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कल्पक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? ये चौथी योजना के अंतर्गत। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकलती है? तो याद रखिए हरिके बांध, हरिके बांध। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। आप देखिए गंगा को साफ करने में इतना पैसा खत्म हो चुका है कि लोग कहते हैं कि एक दूसरी गंगा निकल जाती उतने पैसे में, आधा तो उसमें आप समझिए आधे से अधिक भ्रष्टाचार में खत्म होता है। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1988 में। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन चार बड़े बांधों का निर्माण कराया? तलैया, कोनार, मैथान, पंचेट। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? टी आर माल्थस ने। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या नकारात्मक हुई थी, यानी कि कम हुई थी वृद्धि? 1911 से लेकर 1921 के बीच। भारत में नवरत योजना किस अवधि में अपनाई गई थी? ये 1978 से लेकर 83 के बीच। बैंकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुन्नार मेडल ने। द्वीप प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब होते हैं, PM साहब। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? JB किपलानी ने। इस बुक्स को भी याद रखिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, इसके लेखक कौन थे ये पूछ रहा है, JB किपलानी साहब। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिलेगा, यानी कि लिंगानुपात? केरल में। लिंगानुपात का सीधा सा मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है? और सबसे बुरी स्थिति आपको देखने को मिलेगी हरियाणा की, यानी कि वहाँ 1000 पुरुषों पर आप देखेंगे तो महिलाएं कम देखने को मिलेंगी, ठीक है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये 1950 की बात है। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है? यूकी स्टेडियम। रुइना स्वर्ड कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज में।
प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से है। समी समयों के कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? भूसली को। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में देखने को मिलेगा आपको। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में? अमेरिका में। और मुझे लगता है कि अब तो भारत में होनी जानी चाहिए क्योंकि आप सभी के पास इंटरनेट उपलब्ध है, तो ये भी आते बदलते रहते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। राउरकेला में इस्पात कारखाना की स्थापना किसके सहयोग से लगवाई गई थी? हुई थी इसमें जर्मनी के सहयोग से इस इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। मीरा श्रेष्ठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? हथकरघे के विकास से। मीरा सेठ समिति कमेटी। विश्व बैंक के ये भी आप देखिए कि जब भी आप लोग जाए तब आप लोग देख के जाया करिएगा। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं को आरोपित कर दर वर्तमान में ये भी आप देखिए जीएसटी के अंतर्गत आ गया। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय जापान को। जापान काफ़ी, एक बात आप लोग देखेंगे, जापान दो बार परमाणु बम झेलने के बाद विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं। ये शिक्षा का ही एक तरह से आपके ये देन है। कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में आप प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। मास्टर संधि का मुख्य उद्देश्य यूरोप का एकीकरण। द्वीप विकास प्राधिकरण इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बैंक नोट फ्रेश देवास एमपी में भी है। चाय के उत्पादन उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। यानी कि हम लोग उत्पादन भी करते हैं और उपभोग भी सबसे ज़्यादा। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से थी। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए वाइल्ड फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबद्ध था? ईरान। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी एस मिन्हास। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। कहाँ है? नेपाल। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषण का निर्यात किस देश को? संयुक्त राज्य अमेरिका। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1974 की बात है। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक को आप लोग पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से जानते थे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस बनता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो 1 जुलाई 1955 लगाइएगा, ठीक है। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं में अग्रणी स्थान किसका है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का, IDBI का। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 की बात है। मौद्रिक एवं शाख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया? रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादन के विज्ञापन और प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया था? 1 मई 2004 से। लेकिन आप अभी भी देखते हैं कि बराबर सब कुछ चल रहा है, कुछ बंद नहीं हुआ है, ठीक है। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? 1 मई 2004 से। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? UTI। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता विवर्तक कौन थे? जे वी से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके विवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ए एम खुसरो समिति ने। डो जॉन्स क्या थे? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय आय। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया है।
ट्रैक्टर का उत्पादन शुल्क दर शून्य, पता नहीं क्या क्या हो। भारत के रत्न और आभूषण के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक होता है, तराशे हुए हीरे का। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य में, मध्य प्रदेश। मूडीज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। आप लोग देखते रहते हो ना कि भारत को ये रेटिंग दी गई है मूडीज के द्वारा, वही है। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे था, मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। सप्तऋषि समिति का संबंध ऋषि। स्वदेशी चाय उद्योग की सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देने से। संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य, छः। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक था, न्यूयॉर्क का। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या ये भी बदलती रहती है, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, करंट में आप लोग जाए उस समय देख लेना, कोई निकलता रहता है कोई आता रहता है। भारत में अनवरत योजना की किस अवधि के लिए बनाई गई थी, 1978 से लेकर 83 के बीच। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है, नाइट्रोजनी। भारत में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का। सप्तऋषि का गठन किस तो स्वदेशी चाय उद्योग में को सुदृढ़ बनाने की आवश्यक सुझाव देने के लिए। मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कस्टोडियन किसे कहते हैं, RBI को, आपकी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक को। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के पार मार्ग पर अग्रसर हैं और भविष्य में भी उनका विकास होने की संभावना है, क्या कहलाते हैं, ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स भारत में ग्रामीण बेरोजगारी कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे, मौसमी हो गया, आदेश हो गया, अल्प रोजगार, ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलेंगे। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, किंतु इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, किस एक्ट के तहत, 1934 में आया हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, दोनों को याद रखिए। भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना और व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका काम है, ये सभी काम RBI के हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के। योजना आयोग अब खत्म हो गया है तो इस पर ज्यादा मुझे लगता है कि बात करनी नहीं चाहिए। अब पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस नाम से अधिक जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से, इसे आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से अधिक जानते हैं। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी, तो राजकृष्ण ने, याद रखिए राजकृष्ण ने दी थी, जो अर्थशास्त्री थे, हिंदू विकास दर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है, विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को ऋण लेते रहिए। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है अर्थ सहाय। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ आप देखेंगे निर्धन वर्ग पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर का। देखिए प्रत्यक्ष कर का तो आप देखेंगे कि जिसकी आय अधिक होगी उसी पर पड़ेगा, लेकिन जब अप्रत्यक्ष कर बढ़ता है तो इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, गरीब पर अधिक देखने को मिलेगा क्योंकि आप देखेंगे उसकी आय कम होती है, समझ रहे हैं आप। सूती वस्त्र उद्योग के किस क्षेत्र में, भारत का बोस्टन किस नगर को कहते हैं, ये अहमदाबाद है आपका। इस तरह के सरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी, जानकी रमन समिति, शेयर घोटालों से संबंधित थी। 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है, इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके। आप लोग देख लिया करिएगा नोट पर, होगा ना आपके पास।
सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो आगे चल के आप देखेंगे 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था, भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है, यानी दोनों तीनों बैंकों को मिलाया गया था। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनती है, उसके बाद आप देखेंगे इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इसको इसका नाम क्या हो जाता है, SBI, भारतीय स्टेट बैंक। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या था, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा में बड़ा कौन सा है, तो राजकोषीय घाटा है सबसे बड़ा। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान का मुख्यालय ये रांची में आपको देखने को मिलेगा। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई थी, उस योजना का नाम क्या था, सर्वोदय योजना, यानी कि सबका उदय हो। और आपने सुना होगा JP आंदोलन काफ़ी चर्चा में था, और उसी के बाद आप देखेंगे नेता जो बिहार में उपजे थे वही थे, लालू यादव हों या फिर आपके नीतीश कुमार हों, पासवान हों, सुशील मोदी हों, ये सभी उसी आंदोलन से थे। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था, औद्योगिक नीति 1991, ठीक है। माल गुजारी और मनोरंजन कर को कौन आरोपित उपभोग करता था, राज्य सरकार, मनोरंजन कर। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना, अतिथि देवो भवा, अतिथि भगवान के समान है, ठीक। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण और स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है, भारतीय खाद्य निगम। प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार SRD। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1986, 2019 में भी आया हुआ था आपने देखा, लेकिन पहली बार 1986। सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी, ABSNL। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, टोक्यो। विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश अगर बात की जाए तो चाइना है, भारत दूसरे नंबर पर है। ऐसा भी माना जा रहा है कि 2027-28 तक भारत टॉप पर पहुंच जाएगा, यानी कि जनसंख्या के उत्पादन में हम लोग बराबर लगे हुए हैं। दूसरे क्षेत्र में हम प्रगति करें या ना करें, हम लोग आगे बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन जनसंख्या के मामले में हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, महबूब उल हक, इस नाम को याद रखिए। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी, लेकिन अब देखते हैं खत्म हो चुकी है, इसलिए आप जानते हैं कि अब ना तो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहाँ से किया था, आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले से। मोदी के पहले आप देखते हैं कि कौन थे, यही तो थे मनमोहन सिंह, मोहन सिंह। गोल्डन हैंड सैक स्कीम किससे संबंधित थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य का ह्रास होगा, शून्य। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1973 की बात है। किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं, टैरिफ। कृषि व सहायक क्रिया
क्षेत्र संविधान की सातवीं अनुसूची में किस में शामिल है? राज्य सूची में। बगलीहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एपीएमसी अधिनियम पूरा नाम क्या है इसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। और इसी पर आपने देखा होगा कि बवाल कट रहा था कि एपीएमसी खत्म किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी आंदोलन चल रहा था। भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया था? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? भारत सरकार द्वारा सहजित प्रारंभिक शिक्षा कोष से। शिक्षा तो कम से कम मिलनी चाहिए सबको। कृषि विपणन अवस्थापन सैनिकर और मानकीकरण का विकास और सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा नाबार्ड और राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अशोक लीलैंड नाम के टैंकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? हिंदुजा। भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज। भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? मानवीय विकास को, लेकिन अभी तक नहीं सुधरा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था? तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश, ये भी बदलता रहता है, कभी पंजाब, कभी आप देखते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान मध्य प्रदेश में काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि पंचायती राज पद्धति की बात हो तो सबसे पहले नागौर गांव राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की वो बात हो रही, 5 साल के लिए चुनता है। सेलुलर फोन के पिता फ्रेड मॉरिसन थे। न्यूक्लियर स्रोतों में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 18 जोन हो चुके हैं हमारे रेलवे के। कृषि लागत और कीमत आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कृषि लागत और कीमत आयोग की बात कर रहा हूँ, 1965 में। भारत में पहला डाक टिकट 1857 में। मुद्रा संकुचन का कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाए। वैल्यू एंड कैपिटल नामक जो पुस्तक थी इसकी किसकी थी? हिक्स की। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित किया था? प्रोफेसर पॉल एंड रोजस्टीन रोडान ने। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय रोम में। सीमेंट के उत्पादन में राज्य कौन नंबर पहले पर है? राजस्थान। 1991 से लेकर 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? मुस्लिम में। ये देख चुका हूँ कई बार। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार, ये भी छोड़िए। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? केरल। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? ये मुंबई में देखने को मिलेगा। भारत में यूनिट ट्रस्ट का मूल उद्देश्य क्या था? यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों की बचत के लिए प्रोत्साहन करना और उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना। रोजगार, ऊर्जा सुधार और सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? तो ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000 में। ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मल्होत्रा समिति किससे संबंधित थी? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से, या फिर पूछे कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो मल्होत्रा समिति कमेटी की सिफारिश पर। भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? सेबी का। भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय मुंबई।
रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में, H1 वीजा वी वीजा ए अमेरिका, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित थी, राष्ट्रीय आय से, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है, अभिदत्त पूंजी पर, किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, टेलीफोन, राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में, कानपुर में, डो जोन्स क्या था, डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार से शेयर सूचकांक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1969 की बात है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी, AM खुसरो समिति ने 1989 में, मंगल क्या है, मंगला मंगलयान नहीं मंगला, ये राजस्थान में एक तेल का कुआं है, कभी जाइए देख के आइएगा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास, किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बंध पत्र का, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, मुद्रा स्फीति बढ़ती है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है, उत्पाद शुल्क, भारत में योजना आयोग की प्रकृति के एक सलाहकारी निकाय के रूप में थी, भारत में विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया गया, विदेशी मुद्रा स्वर्ण और SDR, एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, अमृत सेन, भारत के भी पहले है, ठीक है, नाबार्ड का तात्पर्य क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम भी याद रखिए, बैंक एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपरोक्त मूल्य सूचकांक, UTI का औपचारिक विभाजन 1 फरवरी 2003, मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है, SDR को, SDR को पेपर गोल्ड भी कहते हैं आप लोग, इसे भी याद रखिए, इसे भी पूछ लेता है कई बार, प्रतिदिन भारतीय रुपये की विनिमय दर कौन तय करता है, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर, बाजार की शक्तियों पर निर्भर रहता है, मुद्रा गुणक क्या होता है, कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात, लक्ष्य रखे गए पंचवर्षीय योजनाओं में, लेकिन प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लक्ष्य तो हर कोई रख लेता है, भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्था कौन सा था, SP जैन सेंटर फॉर मैनेजमेंट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने किसी के लिए एक ऐसी नीति अपनाई थी जिसे हरित क्रांति संभव हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चुंगी कर एक क्या था, नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता, किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है, सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग जोड़, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली गेहूं और चावल चीनी मुहैया कराने में लगी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है, हैरोड डॉमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर लेते हैं, शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है, शीघ्र लेन देन की को सरल बनाकर करता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की, इसे क्या कहते हैं, गोल्डन हैंड सैग स्कीम, आजकल मुद्रा परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं के में और प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तनशील होती हैं, कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के खाते चालू खाते के लेन देनों के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, तो ये 19 अगस्त 1994 से की बात है,
साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा और दशा पर नियंत्रण। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। व्यापार किस जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु खरीदी जाती है, जब वह विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने के तत्पर हो तो इसे क्या कहते हैं? काउंटर ट्रेड की नीति। इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना था, ये कब प्रारंभ हुई थी? मई 1985 में। उसी का नाम बदल कर एक तरह से आप कह सकते हैं, थोड़ा दायरा बढ़ाकर आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आप देखते हैं शहरों में भी देखते हैं आप लोग, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं इस तथ्य का अन्वेषण यानी कि किस तरह से जांच करते हैं? सकेरू सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि से। स्वतंत्रता के पश्चात आप देखेंगे पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4 यानी कि 3.4 प्रतिवर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया था? हिंदू वृद्धि दर। आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3% से 15 तक, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया। कम कितना भी। आयोजन काल के आरंभ में 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33% साक्षरता की। एक बात और आपको बताऊं, साक्षरता की परिभाषा बड़ी अजब गजब है हमारे यहाँ। आप सोचिए अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप लोग साक्षर मान लिए जाते हैं, और आप समझिए कि आजकल हर कोई पढ़ लिख लेता है, इसमें कोई योग्यता रखी ही नहीं गई एक तरह से, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि अच्छी साक्षरता बताई जाती है। और आप देखिए 1951 में क्या हालत रहा होगा। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 यानी कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं होता है। शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई थी 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, क्योंकि गाँव में आप देखते हैं मेहनत करते हैं लोग उन्हें बढ़ा के। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 था, और आप देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो कितना? 943। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया था? 930। यानी कि आप समझिए घट ही रहा है, हम जितने पढ़े लिख रहे हैं उतना ही हम लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक सकल घरेलू पूंजी निर्माण। कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में काम? 7%। खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश में है? भारत में। गरीबी भी तो आप देखते हैं भारत में देखने को मिलेगी। देश में विदेशी निवेश की वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने और परियोजनाओं को वास्तविक रूप से स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। जनगणना से संबंधित आपकी एक क्लास ली हुई थी, आपको याद हो, स्पेशल वीडियो फॉर ISPCS में डली होगी, आप वहां देख लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से आपकी बड़ी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं आपसे, और आप लोग गलती भी कर बैठते हैं उसमें। बड़ा सरल है टॉपिक, पढ़ लीजिएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार की समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया था? फेरा का। अब फेमा लागू हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लॉच कहलाती है। पूर्ति की लॉच क्या है? और किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु में वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, ये रिपोर्ट आप लोग याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट निकलता है और समय समय पर निकलती रहती है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। इसका आधार क्या है? किन आधार को ध्यान में रखते हुए वो तैयार की जाती है? तो इसमें याद रखिए जीवन प्रत्याशा शामिल है, साक्षरता भी शामिल है और प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद जहाँ संविधान नेतृत्व संस्थाएं हैं,
अंतर्राज्यीय परिषद संस्था संविधानिक संस्था है, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। यानी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन देखने को मिलेगा, ऐसा मान रहे हैं, समझ रहे हैं? दोनों में अंतर आप लोग समझिया करिएगा। नाम शब्द प्रतीक और आदर्श भाग और इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले पैटर्न डिवाइस और सूचना या सूचना का विशेष तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ट्रेड सीक्रेट को। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि जिसकी मांग अधिक है। केंद्र राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग, जो आपको आर्टिकल 280 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? सकल ब्याज भुगतान को। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार किस तिथि से लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना का अधिकार, देखिए इसके तहत आप लोग सूचना मांग सकते हैं, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को विस्तार से बताया भी था कि आप लोगों को कहीं सूचना नहीं मिल रही है तो इसके तहत आप लोग मांग सकते हैं, लेकिन कितने लोग इसका उपयोग करते हैं? इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्या होता है कि जो सूचना मांगता है उसका नाम जाता है, और नाम जाता है तो आप समझिए बदला लेने लगते हैं लोग। आप अपने स्थानीय सरपंच से कुछ सूचनाएँ मांग लीजिए, वो आपसे बदला नहीं लेने लगेगा, क्योंकि आपका नाम पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने सूचना मांगी है। मेरा मानना है कि इस पर नाम नहीं जाना चाहिए था, गुप्त रहनी चाहिए थी एक तरह से, तो अच्छा रहता। और याद रखिए पूरे अब देश में लागू होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर से आपका हटा दिया गया है 2019 में, तो अब वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में आपके होते थे। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित होता है? स्वर्ण आभूषण पर, यानी कि स्वर्ण के जो सोने के आभूषण होते हैं। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा की थी? 2020 तक, लेकिन आपने देखा है नहीं बनी, तो आप किसे दोष देंगे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। मास्टिक संधि का मुख्य उद्देश्य? यूरोप का एकीकरण। कपार्ट का संबंध? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब? निजी और सार्वजनिक उद्योगों का सहस्थित, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय? रोम। राहुल किला में इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? जर्मनी। राहुल किला। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता था? योजना आयोग का सचिव होता था। हमारे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला था? नई दिल्ली में। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ANZ बैंक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण के आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पहले आप देखेंगे कृषि का हुआ करता था, लेकिन अब देखेंगे सेवाओं क्षेत्र का, सर्विस का सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर होता है GNP घिसापट। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? GR हिक्स। मूल्य एवं पूंजी। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। भारत का सबसे बड़ा आयातक देश UK कपड़े का, ये भी बदलते रहते हैं, घटते रहते हैं। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष था। भारत में कौन सी योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना।
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते थे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ संगठन NSSO। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अवमूल्यन आयात को क्या करता है? महंगा कर देता है। ग्रेसम का नियमन बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। समझ रहे हैं? मजदूरी का लोह सिद्धांत कहलाता है मजदूरी के जीवन निर्वाहन सिद्धांत से। मुद्रा स्फीति से बढ़ने से लाभ क्या होता है? रिडी को। ठीक है, समझ रहे हैं आप? द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्री कृति के किस अर्थशास्त्री की थी? एडम सिसो। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? मौद्रिक व्यवस्था का। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय अनुमान लगाती है राष्ट्रीय आय का? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता हो। देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब किस रूप में इसे मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से लेकर 2012 और 12वीं की 2012 से लेकर 2017। लेकिन आपने देखा है कि उसके बाद खत्म हो गया सब। 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आ चुका था योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके कौन सी नई संस्था आई है? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट आउटक्रम बजट कब पेश किया गया था? ये 25 अगस्त 2005 की बात है। भारत की योजना आयोग की प्रगति यह एक सलाहकारी निकाय हुआ करती थी संस्था। सर्वाधिक हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में। वर्तमान में बता चुका हूं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का। और ये भी बोल चुका हूं मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक G.R. Hicks। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। बैंक दर को पहले भी बता चुका हूं कि केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों की प्रथम श्रेणी के बिलों को की पुनर्कटौती करता है और स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक किसके हैं? इसके लेखक कौन है? हिक्स। इस तरह की बुक्स भी कई बार पूछ लेता है। शून्य आधारित बजट काश है व्यय के प्रत्येक मत पर इस प्रकार करना कि वह नहीं हो। मुद्रा स्फीति बढ़ने से किसको लागू होता है? रेडी को। याद रखिए भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित होती है? रिजर्व बैंक द्वारा। मौद्रिक नीति आप देख जारी होती रहती है ना। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था का। मजदूरी का लोह सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SP गुप्ता। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970-71 में। भारत सहस्राब्दी जमा अक्टूबर-नवंबर 2006 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसके द्वारा जारी की गई थी? ये भी SDG इंडेक्स को भी आप लोग याद रखिएगा जो 2015 से 2030 तक हैं आपके, उनसे आप लोगों के क्वेश्चन भी बनते रहे हैं और सिविल सर्विस में भी प्रीलिम्स में आ जाते हैं, स्टेट PCS में भी आ जाते हैं। और आप लोग अगर आंसर लिख रहे हैं, कहीं आप लोग निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ भी उन आंकड़ों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं आराम से। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में रहने दीजिए आप लोग, ज़्यादा दूसरे नंबर पर हम लोग जनसंख्या के मामले में हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका मुख्यालय बैंकॉक में देखने को मिलेगा। महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची केरल में देखने को मिलेगी। 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 तक रही थी। 2007 से
2012 तक, समझ रहे। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? W.W. रोस्टोम ने। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के बता चुका हूं कि मौसमी आदेश और अल्प रोजगार यहाँ बेरोजगारी रहती है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर निर्भरता की प्राप्ति के ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? पांचवीं पंचवर्षीय योजना। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? J.M. किन्स के। निजी क्षेत्र की विमान कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था अप्रैल 2007 में? जेट एयरवेज। आजकल इन सबका बुरा हाल बना हुआ है। शून्य आधार बजट किसकी अवधारणा की प्रतिपादक थे? P.A. पायर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी? वेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। भारत की कौन सा योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। कौन सी? सेकेंड योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं विकसित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन NSSO। विश्व में वह कौन सा प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था? चीन ने। और इसमें फैल भी रहा है, वो फैल भी हो गया था, पर आपने देखा है कि पहले एक बच्चे की नीति लागू किया हुआ था कि एक बच्चा पैदा करना है, फिर आपने देखा उसे उसमें फेल होने के कारण 2015 में दो बच्चों की कर दी उन्होंने। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की घटना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। भारत की पहली जनगणना 1872। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इंडिया ब्रॉड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रायोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार की सिफारिश के लिए। महान विभाजक का विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ में देने के लिए प्रयोग किया जाता है? 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए इसका उपयोग करते हैं। डवाकरा से क्या मतलब होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम से। घाटी की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आगम से अधिक खर्च, यानी कि आपकी आय कम है और खर्च ज्यादा है, यानी कि आप लोग घाटे में चल रहे हैं। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? फ्रीडमैन ने। प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित रोडान से। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय। कृषि विपणन के विषय में अद्यतन जानकारियां विकसित करता है? अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय विभाग। बैंक दर, इसे बता चुका हूं कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? 1948 की। भारत में किस वर्ष मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई थी? 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या है? सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वह कर जिनका कर आधार बदल जाने पर भी कर के की दर समान रहती है, अनुपातिक कर होता है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक नामक अर्थशास्त्री द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? एडम स्मिथ। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। इसे जरूर आप लोग याद रखिए। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो करों में राज्यों का हिस्सा होता है इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए, वित्त आयोग करता है इसे, ठीक है। और वित्त आयोग बनाया ही इसीलिए गया है कि इस तरह के जो भी पैसे से संबंधित हो इसका निपटारा करे, बंटवारा करे, ठीक है। और पीछे बता भी चुका हूँ किस आर्टिकल में वित्त व्यवस्था की बात की गई है, वित्त आयोग की, तो आप लोग बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? गैसम का है। किसका है? गैसम का।
इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना, ठीक है। अवमूल्यन का क्या मतलब होता है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये के मूल्य में कमी करना। आप देखते होंगे कि सुनते रहते हैं आप लोग कि चाइना ने, चीन ने अवमूल्यन किया है अपनी करेंसी का, ठीक है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी, ठीक है। योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन? 2100, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 थी, ठीक है। निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन संगठन एकत्रित करता है? NSSO। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है? राजकोषीय घाटे का। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय। आप लोग देखते होंगे ना, पहले आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बजट देखते होंगे। व्यापारिक बैंकों के लिए SLR वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? तो याद रखिए, कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास तरल के रूप में रखती है, या तो नगद रूप में रख सकती है, या फिर सोने के रूप में, या फिर आप देखिए अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो याद रखिए थे हार्टले बेदर्स ने, भाई होंगे जी हार्टले भाइयों ने, ठीक है, बेदर्स। भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध चुनी हुई मुद्राओं के समूह से, यह किसका विचार था कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन सकती है? तो रॉबर्ट सन ने। इस तरह के आप देखिए वाक्य ज़्यादा पूछ लेता है ये वक्तव्य किसका था, ये कथन किसने कहा था, तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान ब्याज भुगतान, यानी कि हमने उधार लिया है उसका ब्याज देने की बात की जा रही है। नरेगा का वर्तमान नाम क्या है? मनरेगा। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना थी और वर्तमान में इसे मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित की जा रही, और ये कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2008 से। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू की गई थी? 2004 से वर्षा बीमा। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की बात की थी? टैक्स राज समिति ने। आप समझिए किसानों पर भी कर लगाने की बात, वैसे ही उनकी खस्ता हालत है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। किसका? संवर्ती सूची का। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? यह है आपका IRDA। 11वीं पंचवर्षीय की अवधि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2015 तक रहा था। बैंकिंग में आपका ATM आप सभी उपयोग करते होंगे, इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव हुआ करता था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? RBI का आपका भारतीय रिजर्व बैंक। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में देखने को मिलेगा, पीछे भी देख चुके हैं। राउरकेला के में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जर्मनी के। बैंक नोट फ्रेस ये देवास में MP में भी आपको देखने को मिलेगा। ब्रेक इवन स्थिति का क्या मतलब होता है? वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना ही हानि हो रहा, यानी कि वो ना तो फायदे में हो और ना ही नुकसान में हो। बैंकिंग में साक पत्र का क्या मतलब होता है? किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन की वह दी गई तारीख को अदाव तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करती है, इसे ही आप लोग बैंकिंग में साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट भी कह देते हैं।
1991 से सन 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? मुस्लिम में, ठीक है, मुस्लिम धर्म में। आगे आप देखेंगे, विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? ये क्या पूछ रहा है, विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में, तो याद रखिए यह है UNCTAD। कपास उत्पादन में विश्व अग्रणी देश कौन है? मिस्र, इजिप्ट। भारत में ये भी बदलता रहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जिस वर्ष आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस समय देख लिया करिएगा। भारत में पहली गरीबी रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? ये था आपका सहरसा और अमृतसर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी स्थापित की गई? पानीपत जिले में। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फोर्ड वार्ता की थी? इराक के साथ। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 का। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है? सरकारी व्यय कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ आपकी क्या कहलाती हैं? राजकोषीय घाटे। भारत की पहली सोयड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सिरपुर, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कपार्ट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों और सहायता एवं मूल्यांकन से। अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि के तक के ऋण को कहा जाता है? इसकी अवधि होती है एक वर्ष तक की अवधि के ऋण को। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला था? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? अपने सदस्यों को, यानी कि जो IMF के आपके सदस्य हैं उनके उन्हीं को केवल ऋण देता है। किसी फर्म में ब्रेक इवन बिंदु से तात्पर्य क्या होता है? कि उस फर्म में आप देखेंगे ना तो लाभ हो रहा हो और ना ही नुकसान हो रहा हो। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहरी विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है किसी भी बैंक के माध्यम से, किसी भी बैंक के माध्यम से। बंद इकोनॉमी या फिर आप देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी से मतलब क्या होता है? जिसमें आप देखेंगे ना तो आयात हो रहा हो ना ही निर्यात हो रहा हो, यानी कि पूरी तरह से बंद पड़ी हो। सुपर 301 यानी कि सुपर 301 क्या है? याद रखिए अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब होता है? आप कहते हैं कि इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना है, जैसे MP का आप लोगों ने पढ़ा होगा 236 आपको देखने को मिलेगा, 236 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कहने का मतलब आपका है कि 236 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। ये आप देखते भारत की अगर बात की जाती है तो 382, सही बता रहा हूँ? तो ये आप देखेंगे इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को आप लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की मुद्रा SDR होती है बुक कीपिंग एंट्री। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक स्थान ताप विद्युत का और कोयले का आप देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुल होता है? तो घरेलू क्षेत्र। भारत के किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? देखिए ये भी बदलता रहता है समय समय पर। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सांता क्रूज। निगम कर केंद्र सरकार लगाती है। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? तो गौरवाला समिति की। इस समिति को याद जरूर रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। गौरवाला समिति किससे संबंधित थी? SBI की स्थापना से। जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिपत को क्या कहते हैं? बजट घाटा। यानी कि आप देखिए कि आपकी आय कम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो यानी कि आपका बजट बिगड़ रहा है, बजट घाटा हो रहा है, ठीक है। ये
इसे देख चुके हम लोग बंधक इकोनॉमी, जिसमें आप देखिए आयात और निर्यात ना हो। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देश के हिंदी भाषी क्षेत्र में से पहला पूर्ण से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया था? नरसिंहपुर एमपी को। लेकिन आपको मालूम है अलीराजपुर सबसे पिछड़ा जिला है एमपी का, एमपी का ही नहीं पूरे भारत का। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से, यानी कि वहां रहने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति है। अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती थी ग्रामीण डाकघरों में। डाकघर भी आपके बैंकों के रूम में काम करते हैं, समझ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का मतलब क्या होता है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? 1996 में। भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूं और चावल में, खासकर आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना की। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? तो याद रखिए आरबीआई में। किस में? आरबीआई में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी की कुशलता और शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी। और आप देखिए इसका मानव पूंजी का आप लोग शिक्षा से ही, आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था से ही उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक क्षेत्र में आप लोग, मान लीजिए बिहार की स्थिति ले लीजिए आप लोग, कि बिहार में आप सोचिए स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती, शिक्षा की स्थिति ठीक होती, तो आज आप देखते हैं कि मानव पूंजी ठीक होती, यानी कि लोग कमाते, अपनी भी स्थिति ठीक करते और देश की आय में भी योगदान अपना देते। विश्व बैंक का मुख्यालय बता चुका हूँ, ये मानव पूंजी बता चुका हूँ, इन दोनों को याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। वर्तमान में भारत का सबसे राष्ट्रीय उद्यम भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? एक तो राजस्व बजट और एक पूंजी बजट। ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा होता है? कौन सा है? सांदाकूज। मुद्रा स्फीति से किसको लाभ होता है? रेडी को। ठीक है, भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद क्या है? ब्याज भुगतान। क्या है? ब्याज भुगतान। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के। यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी कौन सी है? यूरो। समाचार पत्रों में आप देखते होंगे एक पद आपको दिखाई देता है आईपीओ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने दिया था? ये राजकृष्ण ने। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी विकास दर कितनी रखी गई थी? 9%। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित थी? ये राजमार्गों के विकास से। आम आदमी बीमा योजना किस किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। और भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपका जो कृषि बीमा योजना आ गया है, इस तरह के कई आ चुके हैं। तो आपके संगम योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। प्लास्टिक मनी किसे कहते थे? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को आप लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन सा सूचकांक इंडेक्स
किसी देश के लोगों की आयु संभाविता और साक्षरता और शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पूंजी बाजार का विनियामक कौन होता है? सेबी। पद ब्रेक्स में आर का मतलब क्या होता है? रूस से एक संगठन है ये, ठीक है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं देखने को मिलेगी? ये भी आप देखते हैं, बेटिन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नास्डाक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? इन्फोसिस। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है? सेबी। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति क्या थी? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो क्या था? बड़ौदा सन। भारत में आजकल आप देखते हैं कि बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मोबाइल फोन। आप लोग देखते हैं ना कि मोबाइल फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग बहुत कुछ होने लगा है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता था? योजना आयोग का सचिव ही। लेकिन आप जानते हैं कि अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भी महत्व घट गया है। विश्व बैंक के ये भी आप देखते रहिए। फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक हैं? विश्व व्यापार संगठन के थे अब नहीं है, ठीक है। एक बात और बताऊँ आपको, आप लोग जब एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, अब तो आप देखिए कि ऑनलाइन भी आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं ई पेपर के जरिए, तो इसमें क्या होता है कि आपको बताता रहता है कि बैंक प्रमुख ये हैं या फिर WTO के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन ये हैं, तो आपको करंट से जुड़े रहने में ये सभी करंट पूरा होता रहता है आपका, और आप जानते हैं कि ये बदलते भी रहते हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की थी? तो ये आपकी 2006 में बात की जा रही है। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर हो? तो ब्रेक इवन बिंदु। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? कार्ल डोल ने। अमरत सेन, जिन्हें आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इनके लिए किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये भारतीय थे, ठीक है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है क्या कहलाता है? बैंक रेट या बैंक दर। विश्व व्यापार संगठन की ये आपको याद नहीं रखना है, करंट से संबंधित है। हाल किसके बेहद उत्पादन से संबंधित है? एयरक्राफ्ट के। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जनक किसे माना जाता है? क्लॉस श्वाब को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर कुरियन साहब को, वर्गीज कुरियन को। ये नाम याद रखिए, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। श्वेत क्रांति, आप बताइए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य नियामक प्राधिकरण कौन? इरदा। इको मार्क किस उत्पादन पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है? तो यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इको मार्क। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से समृद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी? दक्षिण कोरिया की थी। आशा योजना संबंधित है, ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अभी तो आप देखते होंगे गांव में आपको आशा देखने को मिलती होंगी, कौन, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजना है। आप देखते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं समाज के कल्याण के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए चलाई जाती हैं, ठीक है, और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को।
ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका मुख्यालय बेसल किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में तो राज्यों का व्यय की गई निधि के कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? ये 90% के आसपास। गिल्ट बाजार का क्या मतलब होता है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आर्थिक सर्वेक्षण ये प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुतिकरण के एक दिन पूर्व। और आप देखिए कि पिछले साल का होता है आर्थिक सर्वेक्षण, आपका पिछले साल का होता है कि कहाँ कितना खर्च किया गया है, क्या हासिल किया है, और बजट क्या होता है कि आने वाले साल के लिए होता है। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा विकसित की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है या प्रधान कार्यालय? ये मुंबई में देखने को मिलेगा। जो आप देखते हैं भारत में एक लोकप्रिय कार है स्कॉर्पियो, इसका निर्माण कौन सी कंपनी करती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में देखने को मिलेगा। नरेगा का पूर्ण नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, और आप जानते हैं इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है, अब मनरेगा इसका नाम हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया था? सॉफ्ट लोन के रूप में। WEF का पूर्ण विस्तार क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक आपने सुना होगा हीरों का व्यापार करने वाली कंपनी थी DBS, ये कहां की थी? दक्षिण अफ्रीका की। क्रेसिल केयर और इक्का क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और आप लोग ये रेटिंग देती हैं जब किसी देश को, तब भी आप लोग न्यूज़पेपरों में भी इनका नाम सुनते रहते होंगे। ये आम आदमी बीमा योजना हुआ करती थी पहले, ये गरीबी रेखा से नीचे वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों के लिए हुआ करती थी। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या मतलब होता है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र में आप लोग एक शब्द सुनते हैं BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसका पूरा नाम होता है। इस तरह के शब्द आप देखिए कि आपकी बैंक वाले एग्जाम में जरूर पूछते हैं, या फिर आप लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी में जा रहे हैं वहाँ। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने और स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था सेवा। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना थी? हिक्स की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात है। 1950 में जो योजना आयोग बना था एक सलाहकारी निकाय हुआ करता था। कर सुधार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलिया को। ग्रामीण विकास के लिए ऋण कौन प्रदान करता है? नाबार्ड, ये एक बैंक है। मार्केट लॉ का प्रतिपालन किसने किया था? तो जे बी सेने। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं आप लोग? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों और अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को आप लोग राष्ट्रीय आय कह देते हैं। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? जोआ रिचर्ड हिक्स की। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में जो आपकी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर VKR B. Rao। सन 1934 में एक पुस्तक लिखी गई थी प्लानिंग फॉर इंडिया, इसके लेखक कौन थे? सर विश्वेश्वरैया। और याद रखिए क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद महालनोबिस।
ठीक है। और ये कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे। इन्हीं के जन्मदिवस को आप लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे सुरेश तेंदुलकर। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का प्रायोजन बनाई गई थी। उसमें आप देखेंगे कि निर्धनता रेखा से नीचे BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया था। तो आपसे पूछे कि जो सुरेश तेंदुलकर थे इनका संबंध किससे था, तो याद रखिए निर्धनता यानी कि गरीबी से संबंधित लोगों के मतलब निर्धारण करने की, किस कौन से लोग गरीबी रेखा में आएंगे। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं, ये छोड़ दीजिए पहले भी बता चुका हूँ। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, भारतीय रिजर्व बैंक का यानी कि RBI का। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है, ये साख नीति का। डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 13वीं वित्त आयोग के। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। ये अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था, सोवियत संघ में, जिसे आप लोग रूस कहते हैं आज। उसमें कुछ देश और शामिल हुआ करते थे और उस पूरे सभी देशों को आप लोग सोवियत संघ कहते थे। भारत में विदेशी निवेश प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI का मुख्य स्रोत क्या, छोड़िए ये भी बदलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है, वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो यह आपकी अंकटाड, ठीक है। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना हो तो रख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। भारत में भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग है, तो इस सहकारी बैंक संरचना के। ये भी याद रखिए। आप लोग भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं, तो याद रखिए मुंबई को, वित्तीय राजधानी मुंबई को। और वैसे आपकी राजधानी बताइए आप लोग। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक है, US की। न्यू सेकेल किस देश की मुद्रा है, इजराइल की। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, सरकार के जो स्वामित्व वाले जो भी व्यापार वाणिज्य होते हैं इन्हें ही आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र कह देते हैं। विभेदी ब्याज दर का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना होता है, समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए। ये बता चुका हूँ कि सुपर 301 क्या है, यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी इसकी स्थापना। यूरोपीय आर्थिक समुदायों देशों का मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा, ब्रुसेल्स में। लिमिटेड कंपनी से मतलब क्या होता है, जिसमें आप देखेंगे शेयरधारकों का दायित्व तो उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित होता है। एक आप लोग टर्म और सुनते होंगे OECD, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है, एक ग्रामीण ग्राहकों के लिए। आपने देखा होगा ये भी काफी चर्चा में रहा था, नोफिल खाता खोलने के लिए बैंकों ने, ये किससे संबंधित था, समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाता। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल अमेरिकी नोबेल विजेता कौन थे, सैमुएलसन।
अब तो आप देखिए डीजी इंडेक्स आ चुके हैं आपके, ठीक है। पहले एमडीजी इंडेक्स थे आपके गोल्ड, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है आपका। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाली किसानों को सम्मिलित किया गया है? 1 हेक्टर तक, 1 हेक्टर तक की भूमि वाले। भारत में आयकर प्रारंभ करने वाला कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्सन। सर्वप्रिय योजना हुआ करती थी, ये किससे संबंधित थी? आवश्यक वस्तुओं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा क्या होती है? तो किसी इकाई में संयंत्र और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर होती है। 1949 में एक आपकी राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, इसी के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था? इनकम बैंक को। रूस हमारा बड़ा अच्छा मित्र हुआ करता था, और जो अमेरिका आप लोग देखते हैं ये चाइना और पाकिस्तान का बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, और रूस भरोसेदार मित्र है, लेकिन आप देखिए हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है और रूस का झुकाव चाइना पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, और अमेरिका बड़ा मतलबी दोस्त है। आप देखिए पहले उसका चाइना से काम पड़ता था, तो चाइना को मित्र बना के रखा हुआ था, अब हमसे काम पड़ रहा है तो हमसे दोस्ती बनाए रखा हुआ है। ई कॉमर्स से क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। सेल की स्थापना कब की गई थी? ये आप देखें, इस सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई थी। राज्य समिति ने किस पद पर टैक्स लगाने की बात की थी? कृषि जोतों पर। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? राजा चेलिया। बंद इकोनॉमी से यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी से मतलब क्या होता है? जिसका आयात निर्यात नहीं होते हैं, जिसमें शेयर बाजार के प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? एसेबी के माध्यम से। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा विकसित की जाती है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोची में। घूम मचा दे, रंग जमा दे, यह उत्पाद विज्ञापन पंक्ति हुआ करती थी पान पराग की। पान पराग जानते हैं उसी की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने के लिए किसने संधि की थी? ये प्रोफेसर ए एम खुसरो की अध्यक्षता में एक आपकी 1989 में कृषि साख समीक्षा समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए एम खुसरो साहब, इन्होंने कहा था, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध ये आप सभी जानते हैं, मत्स्य पालन से संबंधित है। इस तरह के सरल क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हैं इनका तो बुरा हाल है, एयर इंडिया हो। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाला भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी थी? एयर सहारा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से समृद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी थी? दक्षिण कोरिया की। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार देना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935। श्वेत पत्र कौन विकसित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम स्थान पर, ये छोड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य ऋण उपलब्ध कराना। निक्की क्या है? टोकियो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है आपका निक्की। कर सुधार समिति कई बार बता चुका हूं, राजा चिलेया।
किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की बात की थी? राज्य समिति ने, ये भी बता चुका हूँ। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप कौन सा है? राष्ट्रीय आय। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से किस तरह अलग है? तो यह रोजगार एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है, और इसके तहत आप देख सकते हैं कि आप लोग अगर बेरोजगार हैं तो इसके तहत आप लोग रोजगार ले सकते हैं, पंचायतों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले इसे आप लोग मनरेगा कहते थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रख दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में मंदिर माना था? जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इसे किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो याद रखिए, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भी याद रखिए। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? एडम स्मिथ और रिकार्डो और जे के गालब्रेथ। भारत के प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। भारत में आयकर प्रारंभ करने के बाद उत्तरदायी किसे जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन राज्य कहते हैं? कर्नाटक राज्य को। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से समृद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ? चेन्नई में की गई थी। कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था क्रिसिल है। ठीक है, अमेरिकी सबप्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंधित था? रियल्टी क्षेत्र से। नवगठित NHB रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ किन 5 शहरों को में प्रचलन किया गया था? दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता की थी? 2001 की बात है। वैसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। आर्थिक विकास व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक कौन थिंक टैंक जारी करता है? तो ये आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे आप लोग शॉर्ट में IEP भी कहते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित था? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। आशा, ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आप लोग कहते हैं, इनके से संबंधित योजना थी। कर सुधार समिति पहले भी बता चुका हूं, राजा चिल्लिया इसकी अध्यक्ष थे। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो ये थे AO हर्समैन। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सा बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन बैंक संपादित करता है? बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या था? अवैध रूप से प्राप्त धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? निजी और सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, जिसमें सभी का योगदान हो। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता होती है उसे कहते हैं हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? केरल में। ये बदलते रहते हैं, कभी ये कभी वो। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन खाद्यान्न में? नहीं, दुग्ध में आप देखेंगे गन्ना और चीनी उत्पादन में जरूर। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है? चीन। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। जानकी रमन किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये अमेरिका, और भी खाड़ी देश भी है आपके। बेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय मुद्रा कोष। गोल्डन हैंड सैक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित थी।
किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता ही सीमित करती है? नाबार्ड। सेवारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग की स्थापना की गई थी? तो याद रखिए नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास योजना। इसे आप लोग फुल फॉर्म, इसका क्या पूरा नाम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कर सुधार समिति राजा चेलिया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। करेंसी एंड फाइनेंस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन पर, वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? आरबीआई। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है? विदेश से शुद्ध साधन का आय। हिंदू वृद्धि दर संबंधित थी राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय की वृद्धि। किस क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया था? ये आरबीआई में हुआ था। एक डीवीएस कंपनी जो हीरों का व्यापार करने वाली कंपनी है दक्षिण अफ्रीका से। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1993 की बात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुति किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर एम एस खुसरो की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। ये थी आपकी कृषि साख समीक्षा समिति, 1989 की बात है, इसने ये सिफारिश की थी। तो ये आप लोग, तो ये हैं आपके कुछ इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन आप समझिए कि वही क्वेश्चंस हैं ये जो या तो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आप लोग एक और नया सब्जेक्ट देखेंगे, मिलते हैं तभी।